आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिस्ट इन पाइथन्स। पाइथन में जो अपने डाटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब में लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप बाकी के कुछ लैंग्वेजों में सुने होंगे कि एरे होता है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। तो उसी प्रकार का एक यहाँ पर पाइथन जो सपोर्ट करता है उसको हम लिस्ट कहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। ए लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डाटा टाइप इन पाइथन कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यू बिलोंगिंग टू एनी टाइप। इसमें जो वैल्यूज स्टोर होते हैं वो एक ही लिस्ट में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में डिपिक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसे अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो इसको हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर इंटीजर का लिस्ट है, यहाँ पर ये फ्लोट वैल्यू का लिस्ट है, यहाँ पर देखिए एंड ये कैरेक्टर का लिस्ट है, या एक मिक्स वैल्यू का लिस्ट है। जैसे यह एक कैरेक्टर है, एक इंटीजर वैल्यू है, फिर कैरेक्टर है, ये फ्लोट वैल्यू है और यह एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस प्रकार के ये मिक्स्ड वैल्यू डाटा टाइप का एक लिस्ट तैयार है। यहाँ पर है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग 1, 2, 3, ये स्ट्रिंग का लिस्ट है। स्टूडेंट, यह जो होता है लिस्ट वह म्यूटेबल टाइप होता है। इट मीन्स आप आफ्टर द असाइनमेंट या डिक्लेरेशन यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ प्लेसेस इन ए लिस्ट। स्टूडेंट्स, पाइथन में लिस्ट और डिक्शनरी दो ऐसे डाटा टाइप हैं जो म्यूटेबल होते हैं, और बाकी के और जो डाटा टाइप होते हैं पाइथन में वे सभी इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स उनके डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे लिस्ट कैसे बनाया जा सकते हैं, किन किन तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, टू क्रिएट ए लिस्ट पुट ए नंबर ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई कामा इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में कामा को लगा करके आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो यह एक एम्प्टी लिस्ट है। यह एक डिक्लेरेशन का तरीका हो सकता है। यहाँ पे एक लिस्ट आपने बनाया जिसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि यहाँ पर दूसरे केस में L इक्वल टू वैल्यू कामा डॉट डॉट का मतलब हुआ कि L इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे फिर कामा देंगे, और ऐसे आप एक सिक्वेंस में वैल्यूज को लिख सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट बनाने का तरीका इस तरह से देखिए, हम लिखेंगे द लिस्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट, यू कैन आल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। आप लिखेंगे L इक्वल टू लिस्ट, और ये लिस्ट जो है एक फंक्शन है, एक फंक्शन के द्वारा भी हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस। स्टूडेंट्स, अपने पाइथन में कई प्रकार के बिल्ड इन डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से जैसे लिस्ट है, टपल है, तो उन सीक्वेंस के डाटा टाइप ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है उनसे भी हम एक दूसरा लिस्ट बना सकते हैं। और उसके लिए जो अपने पास ये सिंटैक्स होता है L इक्वल टू लिस्ट, यह जो लिस्ट है वह एक कीवर्ड है, और उसके आगे ब्रैकेट में उस सीक्वेंस का नाम देंगे जिससे आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो वह पार्टिकुलर जो सीक्वेंस होगा वह लिस्ट में कन्वर्ट करके और उसको L में स्टोर कर देगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट, इन तीनों से हम एक दूसरा लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि L1 इक्वल टू लिस्ट हेलो। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये लिस्ट कीवर्ड है जो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और हेलो एक स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से L1 एक लिस्ट बनेगा जिसमें हेलो के प्रत्येक कैरेक्टर का अलग अलग इस प्रकार से लोकेशन हो जाता है, HELLO। ओके, नेक्स्ट T इक्वल टू यहाँ पर एक टपल का असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पर T एक टपल हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे L2 इक्वल टू लिस्ट T, देन ये जो T है इस T का एक लिस्ट बनेगा और वह असाइन हो जाएगा L2 को। जब L2 को प्रिंट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा दो तरीका, एक तो एम्प्टी लिस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं, फिर एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से आप लिस्ट बना सकते हैं, और एक तीसरा तरीका होता है कि आप कीबोर्ड से भी डायरेक्टली लिस्ट बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कीबोर्ड से बनाने के लिए सिंटेक्स लिखेंगे L1 इक्वल टू लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट कीवर्ड यूज होगा और इनपुट मेथड उसके आगे ब्रैकेट में होगा। तो स्टूडेंट्स, जो भी आप सीक्वेंस देंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया हुआ है, तो यह पर्टिकुलर सीक्वेंस कीबोर्ड से
मेमोरी में एज ए लिस्ट स्टोर होता है। ओके, जब हम एलन को प्रिंट करेंगे तो इस तरह से लिस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर EVAL एक मेथड होता है, इसका भी प्रयोग करके हम लिस्ट बनाते हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे कि यह पाइथन के बहुत सारे वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। अब हम बात करेंगे लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे लिस्ट का स्ट्रिंग के साथ क्या कंपेरिजन है, मतलब दोनों में क्या समानता है। तो स्टूडेंट्स लिस्ट और स्ट्रिंग में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, इसको हम देखेंगे। इसके पहले हम स्ट्रिंग का क्लास देख चुके हैं, उसमें स्ट्रिंग के डाटा टाइप में उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसके कंपेरिजन में लेंथ फर्स्ट है, सिमिलरिटी कहाँ कहाँ है, तो लेंथ जो len फंक्शन होता है, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था len l, जो कि उसका लेंथ रिटर्न करता है, वह फंक्शन यहाँ पर भी आपके लिस्ट में भी काम करेगा और वो काउंट करेगा नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट एज सेम एज इन द स्ट्रिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द लिस्ट। सेकंड वन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जो हमने स्ट्रिंग में बताया था आपको, वह सेम सब कुछ इस पे लागू होता है। इस तरह से एल और आई जो होगा उसका इंडेक्स वैल्यू होगा, इसी तरह से स्ट्रिंग में भी हमने इसको एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया था इंडेक्स का मेथड। यहाँ पर आई स्टार्टिंग वैल्यू और जे एंडिंग वैल्यू जो स्लाइसिंग के लिए प्रयोग होता है, वह यहाँ पर लिस्ट में भी प्रयोग किया जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, हम दो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, इन एंड नॉट इन, जो कि वह बताता है कि किसी पर्टिकुलर लिस्ट में या स्ट्रिंग में वह वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और उसमें करेगा कि वह एग्जिस्ट ना हो। तो ये दोनों ऑपरेटर यहाँ पर लिस्ट में भी वर्क करेंगे। कंकेटिनेशन एंड रिप्लिकेशन ऑपरेटर प्लस एंड इनटू का जो हमने प्रयोग किया था, ये कंकेटिनेशन मतलब कि किन्हीं दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक नया स्ट्रिंग बनाने का काम हो रहा था, जबकि मल्टीप्लाई ऑपरेटर विथ द नंबर वैल्यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर लिस्ट में भी ये दोनों ऑपरेटर काम करेंगे, और किसी दो लिस्ट को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेशन एंड उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज होगा। एसेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसा कि हम स्ट्रिंग में यूज किए थे, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए ए आई ओ यू, यह एक लिस्ट है जो वॉबल को साइन हुआ, और यदि हम लिखते हैं वॉबल्स जीरो इंडेक्स तो ए वैल्यू हमको मिलता है। स्टूडेंट सेम केस अगर हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डबल कोट लगा करके हम इसे स्ट्रिंग के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो यह एसेसिंग मेथड है। डिफरेंसेस क्या क्या है, तो यहाँ पर जो मेन दो डिफरेंसेस हैं, पहला स्टोरेज का, जैसे कि स्ट्रिंग में होता है। स्टूडेंट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको नोटिस करना चाहिए कि स्टोरेज और म्यूटेबिलिटी में जो दोनों में डिफरेंस है लिस्ट और स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग जो अपना होता है वह इम्यूटेबल होता है, जबकि लिस्ट है म्यूटेबल होता है, यानी लिस्ट के डाटा को हम चेंज कर सकते हैं और स्ट्रिंग के डाटा को पोजीशन पर चेंज नहीं कर सकते। स्टोरेज के केस में लिस्ट आर स्टोर इन मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही स्टोर होता है, एक्सेप्ट दैट बिकॉज सम ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन अदर दे स्टोर अ रेफरेंस एट ईच इंडेक्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर एज इन स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स स्टोर करते समय वह बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही स्टोर होगा, लेकिन हमारे स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होता है वह सिंगल कैरेक्टर सेम उस पोजीशन पर स्टोर होता है, जबकि लिस्ट में उसका इंडेक्स वैल्यू रेफरेंस, उस इंडेक्स वैल्यू का रेफरेंस स्टोर होता है। यह आपके लिस्ट के केस में होता है, जबकि स्ट्रिंग के केस में नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑपरेशन। जैसा कि स्ट्रिंग में भी ऑपरेशन थे, तो यहाँ पर लिस्ट में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग मीन्स आप प्रोसेसिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, हम उसके सिंगल एलिमेंट को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स होता है कि आप कोई लूप चलाएंगे, उस लूप के अंदर जैसे फॉर आइटम, यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होगा जो इस वैल्यू को होल्ड करेगा,
देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर तो लिस्ट और प्रोसेस ईच आइटम हियर, और जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं इस लूप के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एल इक्वल टू यहाँ पर ये लिस्ट आइटम से साइन हो गया एल को, यहाँ पर एल एक लिस्ट बन गया। फिर फॉर ए इन एल, अब ए जो है एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल हो गया, और इन मेंबरशिप ऑपरेटर एल के साथ, यानी एल लिस्ट के एक एक एलिमेंट को अब स्टोर किया जाएगा ए के अंदर लूप के। तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, तो यह लिस्ट के सभी आइटम को इस प्रकार से प्रिंट करेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेवर्सिंग ऑफ ए लिस्ट। ज्वाइनिंग लिस्ट, दो या दो से अधिक लिस्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ कंकैटिनेशन ऑपरेशन, यहाँ पर देखिए प्लस सिंबल जो लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करके हम किसी दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो लिस्ट बना है, लिस्ट वन लिस्ट टू, और जब हम लिखेंगे लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, तो आपको इस तरह से कंकैटिनेटेड लिस्ट आपको प्राप्त होगा, ज्वाइंड लिस्ट प्राप्त होगा। रिपीटिंग और रिप्लीकेटिंग, जैसा कि अभी ऊपर देखा हमने, तो अगर ऊपर वाले इस लिस्ट की बात करें 1149, और यहाँ हम लिखते हैं लिस्ट इंटू थ्री, अगर यहाँ पर 135 ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें देखें, तो लिस्ट इंटू थ्री करने पर 149 149 149 थ्री टाइम्स यह रिप्लीकेट हो जाता है, इंटू के द्वारा यह पॉसिबल होता है। अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग द लिस्ट। लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे करेंगे? स्लाइसिंग मीन्स एज सेम एज इन केस ऑफ द स्ट्रिंग, अगर हमको लिस्ट का कोई एक पर्टिकुलर सबसेट चाहिए तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का प्रयोग करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? एसईक्यू, यानी कि एक न्यू सीक्वेंस बनाने के लिए लिस्ट और ब्रैकेट में स्टार्ट से स्टॉप पोजीशन तक का उसको वैल्यू देते हैं, तो वह एक नया सबसेट लेकर के इसमें स्टोर कर देगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, लिस्ट एल एस टी इक्वल टू, या एक लिस्ट वैल्यू हो गया, तो एस ई क्यू इक्वल टू एल एस टी 32 -3। स्टूडेंट्स यहाँ पर 32 -3 दिया हुआ है, तो ये जो स्टॉप पोजीशन होता है उसके लेस देन अपना ऑपरेशन होता है। तो 3 जो वैल्यू होगा वो होगा 0 1 2 3, यानी 20 से, और माइनस 3 क्या होगा? -1 -2 -3, लेस देन 30 तक, तो यानी कि 24 तक, तो आपको आउटपुट मिलता है 20 22 24, वह एक नए एस क्यू वैल्यू में स्टोर हो जाता है। दूसरे एग्जांपल में देखेंगे, अगर आप अगर इस रेंज के बाहर का रेंज देते हैं, जैसे हमने लिखा है एल एस टी 10 to 34, तो अगर इसका हम स्लाइस स्ट्रक्चर देते हैं 3 to 30, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 नहीं है, मान ली 8 है मैक्सिमम, तो ये जब मैक्सिमम आप रेंज देंगे तो लेस देन 30 और लास्ट एलिमेंट तक वो एक्सेस करता है। तो यहाँ पे 3 आपने दिया है, तो 20 से शुरू करके 34 तक जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने मिनिमम रेंज बिलो दे दिया, तो वह स्टार्ट से लेकर के और उस पर्टिकुलर पोजिशन तक जाता है। जैसे -15, जबकि स्टार्टिंग इसका 0 से है, आपने -15 दिया, तो ये हमेशा जो है तो यहाँ से शुरू करेगा 0 पोजीशन से और 7 तक जाएगा, यानी कि 32 तक, और ये चलेगा लेस देन तक, तो इसलिए 30 तक का आपका रिजल्ट मिलता है। ओके, स्लाइसिंग में हम स्टेप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट आल्सो सपोर्ट स्लाइस स्टेप टू, स्लाइस का स्टेप भी, जैसे आप सिक्वेंसली कोई नंबर नहीं चाहते, इसके एक पर्टिकुलर लॉजिक में सिक्वेंस चाहते हैं, तो हम स्लाइस का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एस क्यू इक्वल टू एल स्टार्ट स्टॉप स्टेप, जैसा कि हम लूप चलाते हैं तो ये तीनों यूज करते हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, कहाँ से कहाँ तक और कितना स्टेप हमको बढ़ाना है। इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट है एलएसटी, ये आपका लिस्ट हो गया, अब हम लिखते हैं एलएसटी 0 से लेकर के 10 तक, और 2 का स्टेप होगा, यानी 0 से लेकर के 10 तक हम जाएंगे, लेस देन 10 यानी 9 तक, और 2 का स्टेप होगा, तो पहला वैल्यू आपको मिलेगा 10, और 1 का स्टेप नहीं बल्कि 2 का स्टेप है, तो दूसरा वैल्यू मिलेगा 14, फिर आपको मिलेगा 22,
एंड 34। ओके, तो ये हो गया आपके स्लाइसिंग का दूसरा स्टेप। नेक्स्ट है यूजिंग स्लाइस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। स्लाइस का प्रयोग करके हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यू कैन यूज स्लाइस टू ओवरराइट वन आर मोर लिस्ट एलिमेंट विथ वन आर मोर अदर एलिमेंट्स। जैसे इस एग्जांपल को हम समझो, 1, 2, 3 या 11 यानी लिस्ट के एलिमेंट हो गए। अगर हम लिखते हैं L 0 to 2 यानी 0, 1, 2, ओके, तो लेस देन 2 चलेगा। ओके, तो ये थर्ड आपका निकल जाएगा। तो यहां तक रिप्लेस करना है 0 और 1 से, तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में ये वैल्यू रिप्लेस हो जाता है। यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1 और 3 आपका सेम रहेगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0, 1, 3। नेक्स्ट L में अगर 1, 2, 3 है और हम लिखते हैं 0 to 2 इक्वल टू A यानी 0, 1, 2 लेस देन, तो ये दोनों एलिमेंट जो है रिप्लेस हो जाते हैं किससे, A से, तो आपका रिजल्ट हो जाता है A and 3। अब हम बात करेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन मीन्स हम लिस्ट में अपने क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि अपेंडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एक्सेट्रा। तो पहला है आपका अपेंडिंग। हम अपने लिस्ट में कैसे अपेंड कर सकते हैं। अपेंड मीन्स टू ऐड न्यू आइटम्स इन योर लिस्ट। तो इसका सिंटेक्स होता है L डॉट अपेंड ब्रैकेट में आइटम। अपेंड एक फंक्शन है जो आपके लिस्ट में उस पर्टिकुलर आइटम को लास्ट में यानी कि एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर देता है, और आप एक समय में सिंगल आइटम ही आप उसको जोड़ सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल से समझें तो LST1 इक्वल टू 10, 12, 14, और अगर हम यहाँ लिखते हैं लिस्ट डॉट अपेंड 16, तो ये लिस्ट में 16 लास्ट में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट अपडेटिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट। लिस्ट के आइटम को अपडेट करना इज वेरी सिंपल, L इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। तो यहां पर ये सिंटेक्स हो गया आपका, इसको जैसे आप देख सकते हैं लिस्ट 10, 12, 14, 16, और आप लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स पर 24 रखना चाहते हैं, यानी कि 0, 1, 2 14 के जगह पर 24 रखना है, तो आप इस तरह से साइन करके लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। लिस्ट से हम एलिमेंट को डिलीट कैसे करेंगे, तो डेल फंक्शन यूज करके हम लिस्ट के आइटम को डिलीट कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स होगा डेल लिस्ट और उसका इंडेक्स वैल्यू। आप एक स्लाइस को भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे डेल लिस्ट ब्रैकेट में स्टार्ट टू स्टॉप, तो लेस देन स्टॉप तक का वह वैल्यू पर्टिकुलर उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस एग्जांपल से समझ सकते हैं डेल लिस्ट 10 to 15, तो 10 से लेकर के 15 तक के एलिमेंट उसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो लिस्ट का जो लिस्ट से आप किसी भी आइटम को इनसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। स्टूडेंट्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप फोकस करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ट्रू कॉपी मीन्स हमको एक लिस्ट से दूसरा लिस्ट बनाना हो तो कैसे बनाएं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल को देखिए, इक्वल टू ऑपरेटर इसका प्रयोग करके हम एक दूसरा वेरिएबल का असाइनमेंट करते हैं। जैसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू ए में कॉपी हो जाता है, यानी कि ए एग्जैक्ट बी की तरफ बन जाता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास है कलर इक्वल टू रेड ब्लू ग्रीन, तो इस लिस्ट का असाइनमेंट हो गया कलर के साथ, और मेमोरी में रेड ब्लू ग्रीन 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली इस इंडेक्स पर जाके स्टोर हो जाते हैं, और इनको रिफरेंस करता है कलर। ओके, नेक्स्ट अगर दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं बी इक्वल टू कलर्स, तो यह एक एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता। ये क्या करता है, मेमोरी में जिसको कलर रिफरेंस कर रहा था, जिस मेमोरी लोकेशन को रेड ब्लू ग्रीन को, उसी को अपना बी भी रिफरेंस करने लगेगा। इस प्रकार से दोनों कलर और बी एक पर्टिकुलर मेमोरी लिस्ट को रिफरेंस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम कलर के रिफरेंस से किसी वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, तो वह चेंज आपको बी में भी दिखेगा। मीन्स यह एक ट्रू कॉपी नहीं है, और यह सेम कॉपी को दोनों रिफरेंस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं
इसको हम कहेंगे साइडो कॉपी। नेक्स्ट आप ट्रू कॉपी कैसे बनाएंगे, तो किसी भी लिस्ट का ट्रू कॉपी बनाने के लिए सिंटेक्स होता है b इक्वल टू लिस्ट कलर। अब ये जो लिस्ट आपका फंक्शन था, जैसा कि हमने बताया है कि लिस्ट का निर्माण हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उस क्रम में आया था कि लिस्ट फंक्शन का प्रयोग करके किसी भी सीक्वेंस का हम लिस्ट बना सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे b इक्वल टू लिस्ट कलर, तो इस प्रकार से एक दूसरी कॉपी बनती है जिसका मेमोरी एलोकेशन बिल्कुल अलग होगा और उसको b द्वारा रेफरेंस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट फंक्शन की, यानी कि वो कौन कौन से फंक्शन जो लिस्ट को ऑपरेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो पाइथन आल्सो ऑफर मेनी बिल्ट इन फंक्शन एंड मेथड फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। कई प्रकार के ऐसे फंक्शन पाइथन में होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, बिल्ड इन होते हैं, वे फंक्शन जो पाइथन के लिस्ट को मैनिपुलेट करेंगे। पहला है आपका इंडेक्स। इंडेक्स एक फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करता है। फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचेज, जो पहला मैच होगा उसका वह इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे आपका पहला है L1, एक लिस्ट है और L1 डॉट स्ट्रिंग 18 मींस यहां पर 18 का इंडेक्स वैल्यू क्या है वह वैल्यू आपको मिलता है। दूसरा अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन किसी भी वैल्यूज को उस लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। ऐड एन आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के लास्ट में अपेंड कर देता है। जैसे लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली एलिमेंट एंड रिटर्न नो वैल्यूज। यहाँ पर जब आप वैल्यू देंगे तो वह उसको जोड़ देगा। जैसे इस एग्जाम्पल से इसको समझिए, कलर्स इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, अगर यह लिस्ट है और जब हम लिखेंगे कलर्स डॉट अपेंड येलो, तो यह येलो इस ब्लू के आगे जाकर के ऐड हो जाता है और यह कुछ रिटर्न नहीं करता। इसको नेक्स्ट ये जो आपका आइटम होगा उसको लास्ट में ले जाकर के सिंपली ऐड कर देता है। अगला फंक्शन है आपका एक्सटेंड फंक्शन। यह किसी भी लिस्ट को लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां देखिए, एक्सटेंड मेथड आल्सो यूज फॉर ऐडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट का लिस्ट है उसको उसके लास्ट में ले जाकर के ऐड करने के काम आता है। तो इसका सिंटैक्स होता है लिस्ट डॉट एक्सटेंड और लिस्ट, यानी कि एक और लिस्ट जब आप यहां देंगे तो उस लिस्ट को एक्सटेंड, यानी कि इस लिस्ट के साथ एक्सटेंड करके उसमें ऐड कर देगा। दैट इज एक्सटेंड टेक ए लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड अपेंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द आर्गुमेंट लिस्ट टू द लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्सटेंड इज अप्लाइड। जैसे यहां देखिए, T1 इक्वल टू ABC एक लिस्ट बना, दूसरा है T2 इक्वल टू DE एक दूसरा लिस्ट। अगर हम लिखते हैं टी वन डॉट एक्सटेंड टी टू, दिस मीन्स टी टू जो आपका लिस्ट है वह T1 में ऐड होगा। अगर हम यहीं पर लिखेंगे T2 डॉट एक्सटेंड T1, तो T2 में T1 ऐड होगा। ओके, जो मेथड को कॉल करेगा उस पर उसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, यहां पर डिफरेंस बताया गया है अपेंड और एक्सटेंड में। अपेंड फंक्शन अपना एक समय में एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकता है, जबकि एक्सटेंड फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट यानी मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ लिस्ट में सप्लाई कर सकता है और उसमें ऐड कर सकता है। अगला फंक्शन है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट एन आइटम टू ए गिवन पोजीशन। तो यहां पर सिंटेक्स होता है लिस्ट डॉट इंसर्ट, और उसमें हम दो पैरामीटर देंगे, एक देंगे पोजीशन और दूसरा देंगे आइटम। तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पर इस आइटम को इंसर्ट कर दिया जाएगा। जैसे इस एग्जांपल से देखिए, T1 इक्वल टू ए यू, तो T1 डॉट इंसर्ट सेकंड पोजीशन पे I को, तो 01, तो यहाँ पर 012 सेकंड पोजीशन पर आपका I इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है आपका पॉप, POP, तो इज यूज टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इसका प्रयोग करते हैं आइटम को रिमूव यानी डिलीट करने के लिए। इसके लिए हम लिखते हैं लिस्ट डॉट पॉप और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स वैल्यू देंगे, तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को
लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। अब इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। T1 आपका ये लिस्ट है और यदि हम लिखते हैं ELE1=T1.POP0 यानी जीरो पोजीशन के वैल्यू को यहां से डिलीट किया जाएगा और ले जाकर के स्टोर किया जाएगा एलिमेंट 1 में, और जब एलिमेंट 1 को प्रिंट करेंगे तो आपको K मिलता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है रिमूव। रिमूव मेथड रिमूव द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ गिवन आइटम। किसी लिस्ट में किसी आइटम को रिमूव करना हो, वो भी उसका फर्स्ट अकरेंसेस, तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, वह पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे तो उस वैल्यू को लिस्ट से रिमूव कर देगा। जैसे T1=this list, ये लिस्ट आपको बन गया T1, तो T1.remove A। अब इस लिस्ट में से पहला A आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये रिमूव फंक्शन जो है फर्स्ट ऑकरेंसेस यानी A को रिमूव करेगा और आपका लिस्ट हो जाएगा EIPQAQE। इसी प्रकार से जब हम लिखते हैं T1.remove P, तो इस लिस्ट से P वैल्यू यानी कि फर्स्ट ऑकरेंस है आपका P का यहाँ पर, तो ये P रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका क्लियर। क्लियर फंक्शन रिमूव्स ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। यह लिस्ट को यदि आप इम्प्टी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्लियर फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिस्ट डॉट क्लियर, तो आप L1 एक लिस्ट बनाया है, लिखेंगे L1.clear, तो यह L1 आपका बिल्कुल इम्प्टी हो जाता है। अनलाइक डिलीट स्टेटमेंट, क्लियर मूव्स ओनली द एलिमेंट एंड नॉट द लिस्ट एलिमेंट। आफ्टर क्लियर द लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट। अगर हम डिलीट करते हैं तो उसमें आपका एलिमेंट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी डिलीट होगा, जबकि यहाँ क्लियर ऑप्शन से आपका वह ऑब्जेक्ट यानी पर्टिकुलर या लिस्ट आपका सेफ रहेगा।